सोलन में आजकल सबसे बड़ी समस्या कुत्तों की बढ़ती संख्या है, जिसके चलते शहर वासियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कुत्तों के बड़े बड़े झुंड रात होते ही सोलन शहर की गलियों और सड़कों पर अक्सर देखे जाते हैं, जो कई शहर वासियों को घायल कर चुके हैं, जिसके चलते शहर वासियों ने कई शिकायतें नगर परिषद को दी है। यही कारण है कि अब नगर परिषदों ने कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करने के लिए रणनीति बनाई है, जिसके तहत शहर के आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाएगी, ताकि कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण किया जा सके। अधिक जानकारी देते हुए नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि शहर में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए नगर परिषद, पशुपालन विभाग और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर 13 से 18 तारीख तक सोलन के ठोडो मैदान में शहर के कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, ताकि शहर में कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा कि सोलन शहर के प्रत्येक वार्ड से करीबन 10 कुत्तों को लाया जाएगा और नसबंदी के बाद उन्हें उनके वार्डों में छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद जल्द ही सलोगड़ा में कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने का विचार भी कर रही है, ताकि शहर को कुत्तों से मुक्त किया जा सके। नगर परिषद वक्त वक्त पर शहर में जितने भी स्टे डॉग है उनकी नसबंदी करती है, ताकि इसकी पॉपुलेशन में ग्रोथ ना हो। इस पर्पज से हमने पीछे भी 3 महीने पहले 100 कुत्तों की नसबंदी की थी, और आज एक डिसीजन और लिया गया है कि 13 तारीख से 18 तारीख के बीच हम नगर परिषद के तहत आने वाले जो स्टे डॉग है उनकी नसबंदी करेंगे। उसमें हमारा साथ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट दे रहा है, और एक संस्था भी हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई है जो कैचर का खर्चा उठाएगी, दूसरा जो है डॉक्टर हॉर्टिकल्चर वाले करेंगे, और दवाइयों का खर्चा जो है नगर परिषद उठाएगी। इसमें तकरीबन 2.5 लाख के करीब खर्चा आएगा, और उसमें से 1 लाख का खर्चा जो है नगर परिषद बियर करेगी। इस प्रकार से हर 6 महीने बाद हम नसबंदी शहर में जो स्टेड हो गए उनकी करते हैं, परंतु उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने में नहीं मिल रहा है। अब आने वाले समय में हम साल में 4 बार इस प्रकार की नसबंदियाँ जो हमारे आवारा कुत्ते हैं स्टेड हो गए उनके बारे में करेंगे, ताकि इसकी संख्या कम की जा सके। और इस पर्पज से 13 से 18 तारीख के बीच हमारा जो नीचे रिन बसेरा है उसमें इन जो स्टे डॉग है उनके ऑपरेशन किए जाएंगे, उनको अच्छी तरह रखा जाएगा, और जहाँ से उठा कर लाए वहीं उनको छोड़ दिया जाएगा। और इसके लिए ऐसा भी विचार आ रहा है कि सलोगड़ा में कि इनको स्टे डॉग होम बनाया जाए, ताकि उनको वहाँ पर भी शिफ्ट किया जाए, ताकि नागरिकों को इन बढ़ती हुई कुत्तों की ज्यादा से निजात मिल सके। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।